नमस्कार किसान भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको तरबूज खेती संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, जुड़े रहे अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल के साथ। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। तो किसान भाइयों, आज अपन विस्तार में जानेंगे तरबूज खेती के बारे में। अभी अपन खड़े हैं 8 बीघे तरबूज खेत पर, जिसमें मल्चिंग और ड्रिप की सहायता से तरबूज खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों, आप भी अगर तरबूज खेती करना चाहते हैं और गर्मी के मौसम में अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं खेती बाड़ी से, तो आप तरबूज खेती अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अभी अपन आए हैं तरबूज खेत पर और अभी अपन विस्तार में जानेंगे। तो तरबूज खेती की शुरुआत करने से पहले खेत को अच्छी तरह से हकाई जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद उसके ऊपर बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद आप उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन के लिए ड्रिप की नली बिछाएं, और नली बिछाने के बाद आप उसके ऊपर मल्चिंग सीट लगाएं। तो बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न रहता है, मल्चिंग सीट कौन सी वाली उपयोग करें और मल्चिंग सीट का उपयोग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो सर्वप्रथम आप 20 माइक्रोन की मल्चिंग लें, 1 मीटर चौड़ी लें, और उसके ऊपर आप बात करें अपन तो इसका फ़ायदा के बारे में बात करें तो इससे क्या होता है कि जितना भी आप इरिगेशन करते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन देते हैं, तो पौधा उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाता है, किसी प्रकार से वो वेस्टेज नहीं जाता है। और एक जगह जहाँ पर पौधे की जड़ें होती हैं वहीं पर पानी जाता है और साथ ही न्यूट्रिशन भी जाता है, जिससे कि वो खरपतवार भी ज़्यादा नहीं उगती है। क्योंकि इस प्रकार से अपन 20 माइक्रोन की जो सीट लगाते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड रहता है, उसके ऊपर 1 मीटर चौड़ी अपन मल्चिंग सीट का उपयोग करते हैं और इसमें प्लांट इस प्रकार से लगाते हैं, एक प्लांट इधर लगाएं, एक प्लांट इधर लगाएं, मल्चिंग बीच ड्रिप लगा रखी है बीच में, तो एक प्लांट उधर है और एक प्लांट इधर है, तो बीच में कहीं खरपतवार उगने का कोई मतलब रहता ही नहीं है कि खरपतवार उगेगा। तो आप इस प्रकार से मल्चिंग का उपयोग करके फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो मल्चिंग पर आप खेती करते हैं तो तरबूज का आकार बहुत ही अच्छा बनता है। देखो आप क्वालिटी इस प्रकार से फल की होती है, आप देख रहे हो काले तरबूज यहाँ पे लगाए गए हैं और अच्छा खासा आकार बना हुआ है। किसी प्रकार से इस पर सड़न गलन की समस्या नहीं आती क्योंकि इसको नमी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आप मल्चिंग की सहायता से और ड्रिप की सहायता से तरबूज खेती कर सकते हैं। और इसमें शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप 20 से 25 दिन की अवस्था पर लीफ माइनर का उपयोग अवश्य करें। लीफ माइनर की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अन्य वीडियो को देख सकते हैं, उस पर आपको संपूर्ण जानकारी लीफ माइनर संबंधित मिल जाएगी। उसी के साथ अगर फल सेट होने लग जाता है, जैसे कि फल का आकार अच्छा खासा हो जाता है, जैसे कि 250 ग्राम 500 ग्राम के लगभग हो जाता है, उस वक्त आप फल मक्की ट्रैप अवश्य लगाएं, किसान भाई द्वारा लगाए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हो। और साथ ही साथ इसमें आप येलो स्टिकर ट्रैप का उपयोग भी अवश्य करें, जिससे कि जितने भी रस चूसक कीड़े हैं वो उसके और आकर्षित होकर नष्ट हो जाए। अगर फल का आकार इस प्रकार से हो गया है और उसमें किसी प्रकार से अगर टेढ़ापन आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके फल के ऊपर फल मक्की काटे गए, तो आप फल मक्की ट्रैप अवश्य लगाएं। और साथ ही साथ आगे की जानकारी के लिए हम आप जल्दी ही आपके अन्य वीडियो अपलोड करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें, और जो किसान भाई पहली बार आए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्द ही हम आपके लिए अन्य वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें, जिससे कि हम उस जानकारी के आधार पर वीडियो बना सकें। तो ये वीडियो भी हमने किसान भाइयों की जानकारी अनुसार ही डाला है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था कि किस प्रकार से हम शुरुआत करें। तो किसान भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।